को मालूम है कि कल रात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ, जहाँ जो इलेक्शन की कैंपेनिंग करके मेरठ से अपने घर की तरफ दिल्ली की तरफ जा रहे थे, वहाँ इनके ऊपर 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। तो उसके लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये संविधान दिया कि हम अपने पर हमारे जो मसले हैं जो भी बात है हम इनके देश का जो कानून है ये हमें संविधान देता है कि हम अपनी बात रखें। तो कल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और ख़ास कर जो सरकार है, देखिए सरकार की जवाबदारी है, एक चार टाइम का खासदार और 2 टाइम का MLA उनके ऊपर इस तरीके का हमला होता है तो ये राष्ट्र के अंदर ऐसा मतलब माहौल होते जा रहा है, देश के अंदर माहौल इतना ख़राब हो रहा है कि लोग आज यहाँ तक पहुँच गए कि बड़े बड़े लीडरों के ऊपर आज हत्या उनकी होने जा रही है। वो जिम्मेदारी सरकार की है कि एक खासदार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहा है, तो जो जवाबदारी की बात होती है तो राष्ट्रीय सरकार का जवाबदारी है कि वो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करना, ये सरकार का काम है। और ये एक लीडर जो 4 टाइम के खासदार, 2 टाइम के MLA और एक पार्टी के अध्यक्ष है, तो उनकी जवाबदारी, उनकी जो सुरक्षा है उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए उनके बारे में। ऐसा है कि जिस तरीके से हमला हुआ था इलेक्शन का, आपको मालूम है कि इलेक्शन चालू हो गया UP के अंदर, आज जब इनके ऊपर हमला, अगर इस हमले के अंदर उनकी जान चली जाती फिर क्या करते। मसला ये है कि मतलब किसी भी पार्टी का लीडर हो उसकी सुरक्षा करना ये राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है कि इस जिस तरीके का आज हिंदू मुस्लिम और इस तरीके की राजनीति लोगों के दिमाग में भर गई है वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जब तक राज्य सरकार, यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार जब तक इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेगी इस तरीके के हमले होते रहेंगे। अगर वो भाजपा से मिला हुआ है, पार्टी भारतीय भाजपा सरकार का अगर वो कार्यकर्ता है तो जाहिर सी बात है पूरी जवाबदारी भारत सरकार की होनी चाहिए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून ला, इसके ऊपर केस होना चाहिए। चाहे वो कि अगर वो भाजपा का है पूरा क्लियर दिख रहा है तो उसके ऊपर पूरा कानून टाइट उसके ऊपर वो करना चाहिए। और सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये आपके बनाए हुए जो माहौल आज आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, भाजपा ने जो हिंदू सेल और ये सेल चालू किए उसकी देन है जो आज नौजवान के दिमाग में बैठ गया है, तो वो इस तरीके की हरकत किया, अब किसने किया इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, पूरी जांच होना चाहिए कि इसमें किसका हाथ है। ये आपकी मांग है? ये हमारी मांग है कि कोई बड़ी पार्टी या किसका दिमाग चल रहा है इस तरीके के, हमारे बैरिस्टर अशरुद्दीन अवैसी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके जान का खतरा है, उसके ऊपर जो हमला हुआ इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारी जो मुंबरा की MIM की जो टीम है और कल जो है हमारे बैरिस्टर साहब पर जो हमला हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जमात जो है डरने की जमात नहीं है, जमात जो है डरने की जमात नहीं है। और जो हमारे साहब जो है बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान पे जो चलते हैं, तो हमारा यही कहना है जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं इसकी अंदर तक जो गहराई तक जाँच होना चाहिए कि हमला किसके कराया है। आरोपी तो आपने पकड़ लिए हैं मगर आरोपी के आगे किसने कराया है वो ज़रूरी है। ये कि BJP का काम है या समाजवादी का काम है ये बहुत ज़रूरी है कि असद साहब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे लिए बोल रहे हैं, हमारे कौम के लिए बोल रहे हैं, तो हम असद साहब से जो है मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमारी जमात पूरी यहाँ पर खड़ी है और इंशाल्लाह हमेशा ऐसी खड़ी रहेगी। मेमोरेंडम जो है मुंबरा चौकी में सीनियर साहब को दिया गया है और बोला गया है कि मतलब ये यही चीज़ जो बोले पहले कि मतलब जो दो आरोपी पकड़े हैं वो आरोपी के आगे जो 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 जिसकी साजिश रची है उसको पकड़ना चाहिए। तो आरोपी तो आप पकड़ लिए मगर कराया किसने वो ज़रूरी है, वो पकड़ना जरूरी है। वही मेमोरेंडम हमने जो है सीनियर साहब को दिए। ऐसा है ना कि यहाँ पे उनको लग रहा है कि जो हम जो सीट पर हमारी यूपी पे जो हमारी सीट लड़ रही है तो क्या ना उनको BJP और समाज में खतरा है, इसलिए जो हमारे सदर साहब को डिस्टर्ब करने के लिए जो है ये सब घिनौनी हरकत कर रहे हैं।